एसजीटी मेडिकल कॉलेज। तो एसजीटी मेडिकल कॉलेज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशल मेरे लिए इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं भी एक एसजीटी का ही स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी अपने 3 साल की जो ग्रेजुएशन है वो वहीं से किया, मैंने मेडिकल नहीं की लेकिन मैंने बीजीएमसी की थी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं रहा तो वहीं हूँ ना, मतलब उसी कॉलेज में, उसी कैंपस में, उसी एरिए में, वहाँ की वाइब्स, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का मेरे को मतलब ऑलमोस्ट सब पता है। ये वीडियो मेरे लिए आज इसलिए भी खास होने वाली है कि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की आज मैं उसी कॉलेज का बैठ कर रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसा ये कॉलेज है, क्या क्या आप यहाँ पे सही चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो देखो, इसकी सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कॉलेज 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड ये जो लोकेशन है वो गुरुग्राम, जो मेन गुरुग्राम है उससे बहुत बाहर की तरफ सिचुएटेड है, मतलब ये गांव वाले इलाके में है, बुढ़ेरा गांव है एक गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पर ये लोकेटेड है, मतलब दिल्ली बॉर्डर पे ही है, आप ये मान के चल सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गुरुग्राम के बिल्कुल सिटी में लोकेटेड है, नहीं, वहाँ से तकरीबन आपको 40-45 मिनट का सफ़र करके आना पड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ, तब आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, अगर आप पैदल चलने निकलोगे तो आप थक सकते हो, ठीक है, आप नहीं घूम पाओगे। 60 acres कहते हैं शायद, 70-60 acres इसकी जो कैंपस एरिया है। अगर मैं सच बताऊँ तो जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज गया था तो मेरे से एक बारी में घूमी नहीं गई थी, तो मतलब धीरे 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 आदत पड़ी कि वहाँ से वहाँ तक, बड़ा यार बहुत ही परेशान हो जाते थे ऐसे दूर दूर चलने में। लेकिन काफ़ी अच्छा कैंपस है, नीट एंड क्लीन वाइब्स आपको यहाँ पे आएंगी, ठीक है, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ का, ग्रीनरी, मतलब यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे मतलब पेड़ पौधों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सबसे खास बात ये, ऐसा नहीं है कि जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो लगे रहते हैं, नहीं, इनके जो मतलब साइड में हैजेस वगैरह हैं या फिर जो भी ये प्लांट लगा रहे हैं ये टाइम टू टाइम, मतलब 2-3 महीने लगे रहते हैं, उसके बाद उखाड़ के दोबारा नए लगा दिए जाते हैं, पेड़ इतने सारे हैं, मतलब ग्रीनरी आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, अच्छी खासी वाइब्स। एंड टोटल यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग वाला एक हमारा ब्लॉक था जिसमें मतलब बीजेएमसी एग्रीकल्चर ये सारी चीज़ें थी, एंड एक मेडिकल का ब्लॉक है, उसके 3 ब्लॉक हैं, एंड मेडिकल का ब्लॉक है एक तो बी ब्लॉक है, एक सी है, एक डी ब्लॉक, ये तीनों आप मेडिकल के कह सकते हैं, एमबीबीएस का जो है वो सी ब्लॉक में आता है। बट ये जो कॉलेज है एसजीटी, ये जो यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल के लिए ही फेमस है, यहाँ पे जो मेडिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, स्ट्रिक्ट कॉलेज है ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मतलब हॉस्टल में भी स्ट्रिक्ट रहेगा एंड आपको पढ़ाई लिखाई में भी स्ट्रिक्ट रहेगा हर चीज़, अगर आप लेक्चर भी मिस करेंगे तब भी आपको किया नहीं जाएगा, कॉल भी कर सकते हैं घर पे, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे यार दोस्त तो हैं हमारे भी अब वहाँ पे, तो सब बताते हैं स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज, अगर आप नर्सिंग भी करते हैं इवन तो नर्सिंग के लिए भी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज है। ये जो मेडिकल के कोर्सेज हैं हमारे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, एंड ये कॉलेज जाना भी मेडिकल के नाम से ही ज़्यादा जाता है, ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोफेसर अच्छे हैं। हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो देखो काफी बड़ा हॉस्पिटल है इसका, एंड पेशेंट फ्लो यहां पे टूटते नहीं है, पेशेंट्स काफी अच्छे से आते रहते हैं। अब तो मैं कहूंगा कोरोना के बाद तो फिर भी 2-4% कम हुए हैं, लेकिन पहले तो यहां पे भीड़ ही लगी रहती थी क्योंकि इन्होंने शुरू शुरू में फ्री सेवा भी प्रोवाइड की थी, कम रेट्स पे जो सर्विस थी वो प्रोवाइड की थी, तो ऐसे ना मतलब अटैचमेंट सी बन गई थी। ऐसा नहीं है कि इसके आसपास से ही आते हैं, यहाँ पे दूर दूर तक, मतलब मेरे घर से ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी दूर है, मतलब आप लगा सकते हैं 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ के भी लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज कराने, तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज एसजीटी यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है, जो इनकी खुद की यूनिवर्सिटी है, एंड ये एनएमसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी है। और अगर इसके मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊं तो 18 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर ईयर की ट्यूशन फीस देखने को मिलती है, एंड 3 लाख की आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फीस सबमिट करनी पड़ती है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 लाख नॉन एसी रूम्स का हॉस्टल के चार्जेस हैं, एंड 2.5 लाख आपके जो चार्जेस हैं वो हैं एसी रूम्स के लिए, एंड 1 लाख एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे एग्जाम फीस मतलब पर ईयर की देखने को मिलती है, और 50,000 पर ईयर आपको यहाँ पे मिसलिनियस चार्जेस देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं हरियाणा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। एंड ये कम से कम 1 करोड़ के आसपास इसका पूरा बजट बन जाता है आपका 5 साल का जितना भी ये कोर्स है, ठीक है। तो एडमिशन यहाँ पे वही सेम आपका मतलब नीट की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होते हैं, एंड कट ऑफ भी इसकी इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे हाई नहीं जाती। तो हरियाणा के अंदर मैं 2 ही कॉलेज आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, एसजीटी यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने खुद पढ़ाई की है, एंड जो एक दूसरा आदेश मेडिकल कॉलेज है जो कुरुक्षेत्र में लोकेटेड है, तो ये दोनों कॉलेज हरियाणा के अंदर टॉप कॉलेजेस हैं। बट मेरे को तो एसजीटी ज़्यादा अच्छा लगता है यार, ऑब्वियस है, मैं यहाँ से पढ़ाऊँ क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ही सही चीज़ें हैं, 150 सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए। और अगर मैं कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में बात करूँ तो यार देखो
और अगर मैं कुछ फैसिलिटीज वगैरह की बात करूँ तो देखो यहाँ पे सब कुछ आपके लिए टोटली अवेलेबल है। कैंटीन भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कैंटीन अंदर ही कॉलेज के लोकेटेड है, ठीक है। चॉकलेट रूम हो गया, फ्रेम कैफे, BX फूड प्लाजा, मतलब ये ढेर सारी अंदर। एंड ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि इसके मतलब आने जाने में ना 2 रोड पड़ते हैं, मतलब 2 मेन रोड आप कह सकते हैं जो पड़ते हैं, जो कॉलेज के रोड नहीं है, गवर्नमेंट रोड जो पड़ते हैं वो मैं कहता हूँ, उस पर आपको इतनी सारी कैंटीन देखने को मिल जाती है यार, मौजी मौज है। मतलब कोई दिक्कत मतलब टेंशन मतलब सारी सुविधा यहाँ पे है, हॉस्टल की, लॉन्ड्री की, आपको यहाँ पे आउटिंग टाइम मिल जाता है यहाँ पे, बट रात को आजकल लड़कियों के लिए कम हो गया है, 6 बजे तक का हो गया आई गेस, अंदर रह सकती हैं लेकिन 6 बजे तक भी, 4-5 बजे तक मतलब जब आपकी पढ़ाई पूरी होती है तो आप बाहर नहीं जा सकते, तो ये इसका कुछ सीन है। हाँ बीच में अगर आपको कभी जाना है तो ऐसे बंक वंक करके तो जा सकते हैं, जाते हैं यार, मेरा ही कॉलेज है, मैं भी गया था यार। देखो ये तो मजाक वजाक की बात हो गई, एक आधी बार तो सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई के मामले में कॉलेज काफ़ी अच्छा है यार। मेडिकल के बच्चों को इतनी छूट नहीं दी जाती, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे से रहते हैं, काफ़ी मतलब अच्छी सोसाइटी के लोग वहाँ पे आते हैं, ये बात मैं बोलना चाहूँगा, मतलब सही इन्वायरमेंट है इस कॉलेज का, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। और देखो अगर आपको एडमिशन चाहिए एंड आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा इस कॉलेज में, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं, गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, आपका डायरेक्ट एडमिशन कराने में, तो यार देर किस बात की, तो आप फटाफट से गेट एडमिशन के स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है यार, हम तो स्टूडेंट हैं वहाँ के तो मैं बता सकता हूँ ना, तो आप कॉल कीजिए एंड अपना एडमिशन बुक करा लीजिए। एंड इस कॉलेज की और भी ढेर सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, तो आप कॉल कर लें। और मेडिकल के लिए मैं इस कॉलेज को रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल भी है एंड सारी चीज़ें हैं, आपको क्लिनिकल वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं अच्छे से, पेशेंट फ्लो इस कॉलेज का काफ़ी अच्छा है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे टॉप क्लास हैं, तो इसीलिए मैं बस इस कॉलेज को रिकमेंड कर सकता हूँ। हरियाणा के अंदर 2 मेजर कॉलेज हैं जो टॉप मोस्ट रहते हैं, वो मैंने आपको बताया, तो आप इनमें जा सकते हैं अगर आपको हरियाणा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो।